Hello everyone, I hope you all are doing good. So this week video took so long because recent art इतनी जल्दी dry नहीं होता है, इतनी जल्दी cure नहीं होता है. तो मैं इस video में आपको day wise बताऊँगी कौन से दिन आपको क्या करना है and कितने दिन के लिए आपको कौन सा project छोड़ना है. So let's make this beautiful set of coaster and tray. So let's begin the video. सो डे वन हम सबसे पहले बनाएंगे हैंडल ऑफ आर ट्रे. तो उसके लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस रेजिन फ्रॉम आर्ट रेजिन 5/1 मेजरिंग कप. अब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे अपॉक्सी एंड हार्डनर. सो यू हैव टू सी विच रेजिन यू हैव टेकन एंड आपको उसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करना है. उसके बाद हम ये सिलिकॉन हैंडल मोल्ड लेंगे और इसके अंदर हम अपना रेजिन मिक्स करेंगे. तो थोड़ा सा आप रेजिन लीजिए और उसके बाद आप इसमें गोल्ड कलर पिगमेंट मिक्स कर दीजिए. जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है यू कैन टेक दैट. थोड़ा सा ग्लिटर लेंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. इफ़ यू हैव दीज थिंग्स अवेलेबल अच्छे से कलर को मिक्स करेंगे. इसे हम अपने मोल्ड में डाल देंगे और हम इसे आराम से 2 दिन के लिए छोड़ देंगे. सेम डे ही मैंने ये वाला प्यारा सा कोस्टर बनाया जिसमें अनायश अपना पूरा फेस देख सकती है. तो इसके लिए हम लेंगे सिलिकॉन मोल्ड, गोल्ड फॉयल एंड देन हम इसे मिक्स करेंगे रेजिन के साथ. तो इसे मिक्स करना भी बहुत ईजी है. आप पहले थोड़ा सा लीजिए, ये इतना फ्रजाइल होता है कि ये इधर उधर गिरने के और फट से ही टूट जाता है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज़ दिस गोल्ड फॉयल क्योंकि ये काफ़ी बार हमारे हाथों में भी चिपक जाता है. ठीक है, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो हमारे प्रोजेक्ट्स में ही रहे. राइट, तो उसके बाद वी आर गोइंग टू मिक्स दीज 3 कलर्स. जो गोल्ड वाला साइड है उसको आई एम गोइंग टू कीप एज इट इज़, उसको मैं ट्रांसपेरेंट रखूँगी ताकि जो हमारा गोल्ड फॉयल है वो नजर आए. बीच में हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा ग्लिटर और सबसे साइड में हम लगाएंगे व्हाइट कलर. सो ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लीव इट फॉर ओनली 1 डे. एंड ऑलवेज रिमेंबर टू पुट ऑन योर ग्लव्स. हमेशा आपने कोई भी स्टिक से रेजिन को मिक्स करना है. थर्ड, आपने हमेशा मास्क पहनना है. अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको हल्की सी खराश गले में लगेगी. सो इट्स बेटर यू फर्स्ट टेक प्रिकॉशन एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग दिस ब्यूटीफुल आर्ट. सो नेक्स्ट डे, डे 2, हमें हैंडल टच नहीं करने हैं और हमें जो हमारा कोस्टर है उसके ऊपर एक और लेयर देना है रेजिन का ताकि वो और ज़्यादा ऊपर से अच्छा हो जाए, थोड़ा सा मोटा हो जाए. एंड यू कैन रिमूव दीज बबल्स फ्रॉम एनी आइसक्रीम स्टिक और अगर आपके पास हीट गन है यू कैन यूज़ दैट एज वेल. उसके बाद आप कोस्टर्स को क्योर होने के लिए छोड़ दीजिए और फिर आते हैं हम डे 3 में हमारा हैंडल हो चुका है रेडी. उसे हम डीमोल्ड करेंगे. एज यू कैन सी ये बिल्कुल भी फ्लिमजी नहीं है, हिल नहीं रहा है. डे अगर 1 पे आप निकालेंगे तो वो हिलने लगता है हमारे कोई भी रेजिन आर्टवर्क, और डे 2 में अगर आप निकालेंगे तो वो काफ़ी हार्ड हो चुका होता है. अब इसके साइड में जो एक्स्ट्रा रहते हैं शार्प एजेस उसको आप इस तरह से स्मूथ कर लीजिए कोई भी आप क्राफ्ट ब्लेड से या फिर आप इसे सैंड पेपर से भी सैंड कर सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्यूटिफुल मोल्ड, दिस इज़ फ्रॉम आर्ट रीजन वाइब. इसी में हम ट्रे बनाएंगे. तो मोल्ड को आप रखिए, उसके बाद हम अगेन सेम ही अपॉक्सी एंड रीजन में लेने वाली हूँ. आप इसे मिक्स कीजिए. मिक्स करने का प्रोसीजर ये है कि आप इसे आराम से 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स कीजिए. एंड इफ़ यू सी सम बबल्स लीव इट फॉर अनदर 1 मिनट. इसके जितने बबल्स होंगे वो साइड में चले जाएंगे और वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाता है. तो सबसे पहले मैं एक साइड से स्टार्ट करूँगी, एक साइड में लगाने वाली हूँ सेम गोल्ड फॉयल और उसको हम रेजिन में अच्छे से मिक्स करेंगे. इनिशियली बहुत ज़्यादा ना लीजिए ताकि अगर आपको कुछ कम करना है तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे. सो ऑलवेज टेक अ लिटिल इनिशियली. इफ़ यू थिंक कि थोड़ा सा कम पड़ रहा है देन यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन लेटर. बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कलर या आप कोई भी गोल्ड फॉइल ले रहे हैं, ग्लिटर ले रहे हैं, व्हाटएवर यू आर टेकिंग, डू नॉट टेक सो मच इनिशियली. उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक दिस वाइट कलर, वाइट पिगमेंट, रेजिन पिगमेंट ही है ये. उसके बाद हम थोड़ा सा ये लेंगे वाइट को और हम इसको मिक्स कर देंगे अगेन रेजिन में. अब अगर आपको मार्बल इफ़ेक्ट चाहिए राइट, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से रेजिन को पोर कर दीजिए एंड देन क्लियर रेजिन को धीरे धीरे इस तरह से पोर कीजिए. ठीक है, और वो काफ़ी हद तक एक मार्बल इफ़ेक्ट आ जाता है. बीच में हम ग्लिटर लगाएंगे. अगेन सेम हमें पैटर्न बनाना है, सेम दोनों कोस्टर और ट्रे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए. तो पैटर्न हम सेम ही रखेंगे. इसी तरह से आप धीरे धीरे मिक्स करते जाइए टिल द टाइम यू आर नॉट सेटिस्फाइड. एंड रेजिन आर्ट का यही रहता है कि वो काफ़ी हद तक हिलता डुलता रहता है. जो आप बनाएंगे वो एग्जैक्टली वैसा नहीं बनता. तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आप अपना जो सरफेस है उसको हमेशा
रखें। ज़ीरो मतलब आप हमेशा अपने टेबल को एकदम स्ट्रेट रखिए ताकि आपका रिजन आर्ट इधर उधर ना जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसको हैंडल लगा देंगे, हैंडल हमारे लग गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लीव इट टू ड्राई फॉर अनादर टू डेज, राइट। डे फोर हमारे कोस्टर्स हो चुके हैं एब्सोल्युटली रेडी। यू कैन सी हाउ क्लासी एंड ब्यूटिफुल दिस इज़ लुकिंग। पूरा अच्छे से ये क्योर हो चुके हैं, तो इन सबको हम निकाल लेंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसके साइड पे गोल्ड लाइन दूंगी, बट देन लेटर आई थॉट नहीं, ये एज इट इज़ ही बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। एंड इसके जो साइड में एजेस रहते हैं, इस तरह से आप उन्हें काट सकते हैं। जब आप डे वन और डे टू में अपने मोल्ड से निकालते हैं आपका कोई भी वर्क, रेजिन वर्क, आर्ट वर्क, तो वो काफ़ी सॉफ्ट सा रहता है, तो आप उसे आराम से कट कर सकते हैं। बाद में वो हार्ड हो जाता है काफ़ी, तो वो कट नहीं होता है। ऑल राइट, अब हम बढ़ते हैं डे फाइव की तरफ और हम करते हैं डी मोल्ड हमारी ट्रे। तो ट्रे को भी हमने दो दिन कम्प्लीटली छोड़ा एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू डी मोल्ड इट। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस ट्रे इज़ लुकिंग। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स। ट्रे एंड कोस्टर इज़ लुकिंग सुपर सुपर क्लासी। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं गिफ्टिंग पर्पज़ पे, दिवाली के टाइम पे, फेस्टिवल सीजन इज़ ऑल्सो कमिंग। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल। सो रेसन आर्ट इतना ईजी नहीं है जितना दिखता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बनने में। हमें एक एक दिन, दो दो दिन प्रॉपर इसे छोड़ना पड़ता है क्योर होने के लिए। वो क्योर नहीं हुआ होता है तो हमें उसे और एक और दिन के लिए छोड़ना होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वेदर कि आपका वहाँ का वेदर कैसा है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू रेसन आर्ट, आई एम गोइंग टू मेक अनादर वीडियो विद द टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई हैव लर्न सो फार। एंड अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, I'll add on those as well. So that is it for today's tutorial. If you like this video, please give it a thumbs up. Do subscribe to our channel. And if you're new to our channel, watch my other videos as well. Till then, take care and see you next time. Bye-bye.